भोपाल मुस्लिम समाज के साथ ईसाई धर्म को लेकर योग गुरु बाबा रामदेव द्वारा की गई टिप्पणी का विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। राजस्थान में बाबा रामदेव पर एफआईआर दर्ज होने के बाद मध्य प्रदेश में भी कानूनी कार्रवाई को लेकर मांग तेज हो गई है। मंगलवार को कांग्रेस अल्पसंख्यक मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष शेख हलीम के नेतृत्व में एक प्रतिनिधिमंडल ने राज्यपाल मंगू भाई पटेल को राष्ट्रपति के नाम बाबा के बयान विरोध में ज्ञापन सौंपकर कार्रवाई करने की मांग की गई। शेख हलीम ने कहा कि हमारे देश में सभी संप्रदाय के लोग हिलमिल के रहते हैं, सभी ने इस देश को अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई लड़कर आज़ादी दिलवाई, भारत का संविधान भी सभी को अपने धर्म के पालन की इजाज़त देता है। शेख हलीम ने कहा कि अभी के दौर में बाबाओं के बीच बयानबाजी में आगे निकलने की प्रतिस्पर्धा चल रही है, उसी को सामने रखकर योग गुरु बाबा रामदेव ने मुस्लिम और क्रिश्चियनों के लिए जो बयान दिया है वो काफ़ी निंदनीय है। कांग्रेस अल्पसंख्यक मोर्चा ने आज राष्ट्रपति के नाम का ज्ञापन सौंपकर कार्रवाई की मांग करते हुए इस तरह के बयानों पर प्रतिबंध लगाने की मांग की। आज राजभवन पहुंचकर जो हमने ज्ञापन दिया है, पिछले दिनों देखा गया कि एक वीडियो के माध्यम से एक बात आई है सामने, तो पूरे देश में सबने देखा कि बाबा रामदेव जी इस्लाम धर्म और क्रिश्चियन धर्म के बारे में विवादित टिप्पणी उन्होंने करी। आज उसी बात को लेकर हम माननीय महामहिम राज्यपाल जी के पास आए, देश के राष्ट्रपति के नाम हमने ज्ञापन दिया है कि देश में हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सभी मिलजुल कर रहते हैं, देश को आज़ाद भी सभी ने मिलकर अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई लड़कर इस देश को आज़ाद करो, भारत का संविधान भी ऐसा बनाए कि भारत में रहने वाले हर व्यक्ति को, हर धर्म के व्यक्ति को अपना पालन करने का पूरा अधिकार है। ऐसे में बाबा रामदेव जी ने जो बाबाओं में अभी विशेष तौर पर जो प्रतिस्पर्धा चल रही है एक दूसरे से आगे निकलने की, उसको देखते हुए उन्होंने इस्लाम धर्म और ईसाई धर्म के खिलाफ जो बयान दिया है, जो हम अब अपने मुंह से बोल भी नहीं सकते, इतनी गलत बातें उन्होंने इस्लाम और क्रिश्चियन समाज के लिए बोली है, उसकी हमने कड़ी निंदा करते हैं और मध्य प्रदेश कांग्रेस अल्पसंख्यक विभाग की तरफ से ज्ञापन दिया है कि बाबा रामदेव पर शीघ्र कार्रवाई की जाए और प्रतिबंध भी लगाया जाए कि इस तरह के भाषण चाहे कोई हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख ईसाई हो, किसी भी दूसरे धर्म के खिलाफ नहीं थे, चाहे मुस्लिम भी हो, क्योंकि ये देश ऐसा है कि ये मोहब्बत से चलता है और इस देश का जो संविधान बना है इसमें हिंदू और मुस्लिम सिख ईसाई सबको एक साथ अपने धर्म का पालन करने और रहने का जो बाबा अम्बेडकर जी ने संविधान बनाया था उसको पूरा अधिकार है। तो इसलिए आज हम कड़ी निंदा करते हैं बाबा रामदेव पर कार्रवाई की मांग के लिए महामहिम राज्यपाल जी, शेख हलीम प्रदेश अध्यक्ष अल्पसंख्यक विभाग।